दोस्तों IPL साल 2022 के सीजन में केवल यहाँ पर दो ही मुकाबले बचे हैं और देखना आप काफ़ी दिलचस्प होगा कि कौन सी दो टीमें काफ़ी सारे मुकाबले काफ़ी सारे लीग स्टेजेस खेलने के बाद और 8 टीमों से ऊपर कौन सी वो दो टीमें होती है जो फाइनल खेलती है। बट आज दोस्तों एलिमिनेटर होने वाला है, तो आप कमेंट करके तो बताना है कौन जीतेगा एलिमिनेटर। खैर दोस्तों सारी अपडेट आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम में मिलेगी। बात करेंगे आज KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में और टीम KKR की दिनभर में काफ़ी सारी अपडेट्स निकल कर आ रही है। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको मिलेगी टीम KKR की टॉप ट्रेंडिंग और एक्यूरेट और सबसे ज़्यादा अपडेट्स। तो बिना समय गवाए दोस्तों आपको करना है कुछ काम, जिसके अंदर दोस्तों आपको करनी है वीडियो को शेयर और अपने दोस्तों से करवाना है सब्सक्राइब, क्योंकि 50K गो जो सब्सक्राइबर गोल है वो हमें कंप्लीट करना है। वीडियो काफ़ी शानदार है, स्किप मत करना और आप सभी लोग देखना है इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों अगर आप भी हैं IPL के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा IPL की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की बुरी परफॉर्मेंस इस सीजन हमें देखने को मिली, बट होपफुली दोस्तों साल 2023 में उनका कमबैक देखने को मिलेगा। बट दोस्तों कौन सी दो टीमों के बीच फाइनल होगा आप कमेंट करके जरूर बता देना कि कौन सी दो टीमों के बीच आपको लगता है फाइनल हो सकता है, क्या है पॉसिबिलिटीज। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही है वेंकटेश अय्यर को लेकर। दोस्तों वेंकटेश अय्यर भी एक क्वालिटी प्लेयर निकल कर आए हैं पिछले सीजन में लेकर अगर बात करें, पर दोस्तों जो इनका पिछला सीजन बहुत ही शानदार रहा था उसका ही ऑपोजिट ये वाला सीजन रहा था। हालांकि दोस्तों काफ़ी लोगों को लग रहा था कि अपने ऑफ फॉर्म के चलते हुए ये जो इनका लास्ट में कमबैक भी हमें देखने को मिलता, बट दोस्तों कमबैक केवल एक ही मुकाबले के लिए था। इसके बाद वेंकटेश अय्यर ज़्यादा चल नहीं पाए, एक दो मुकाबलों के अंदर ही अपनी छाप छोड़ी। इसके बाद ये पूरा सीजन इनका फीका गया और इतने बुरे फॉर्म के बाद, इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद काफ़ी सारे लोगों का ये कहना था कि जो पिछले सीजन इनको फॉर्म के चलते टीम इंडिया में लिया गया था, क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं थे, बट अब हार्दिक पांड्या तो इनको टीम में नहीं लिया जाएगा, बट दोस्तों इनको टीम में लिया गया है। एंड ऑल्सो जो वेंकटेश अय्यर है उन्होंने ये भी कन्फर्म किया है कि अब उनका माइंडसेट थोड़ा थोड़ा पहले गड़बड़ चल रहा था, बहुत अलग अलग उनकी सिचुएशन थी, बहुत अलग प्रेशर था, कुछ पर्सनल इशूज़ भी थे, बट उन्होंने बोला कि उनको एक ब्रेक चाहिए था और यहाँ पर अब नेक्स्ट सीजन होने से पहले और IPL के बीच में उनको ब्रेक मिलेगा और इसी ब्रेक के चलते उनका माइंडसेट काफ़ी अच्छा होगा। हालांकि उन्होंने रिसेंटली बोला था कि उनका और हार्दिक पांड्या का कंपैरिजन नहीं, हार्दिक पांड्या काफ़ी आगे हैं, बट दोस्तों होपफुली उनको प्लेइंग 11 में भी शायद वेंकटेश अय्यर को जगह तो नहीं मिलेगी, बट मिल जाती है तो क्वालिटी ऑलराउंडर बन के निकल सकते हैं और अपने खोए हुए फॉर्म को पा सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताओ शुरुआती मुकाबलों के अंदर हार्दिक पांड्या को खिलाना चाहिए या फिर वेंकटेश अय्यर को मौका देना चाहिए। अगली अपडेट आ रही है आंद्रे रसल को लेकर। तो दोस्तों आप सभी जानते हो आंद्रे रसल को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है, तो वो खबर क्या है दोस्तों हम आप सभी को बता दे रहे हैं। कहीं यहाँ पर आंद्रे रसल IPL खेलते हैं फिर इंडिया से चले जाते हैं और फिर वापस कब आते हैं जब अगला IPL का एडिशन होता है, पर दोस्तों इस सीजन ऐसा नहीं होने वाला है। आंद्रे रसल बीच में फिर इंडिया आने वाले हैं और वो क्यों इंडिया आएंगे, दरअसल दोस्तों जो KKR अकेडमी है आप सभी जानते होगा अलग अलग जगह पर KKR अकेडमी, और इस सीजन गोल लिया है उन्होंने 5 और जगह KKR अकेडमी खोलने का। आप कमेंट करोगे तो हम KKR अकेडमी पर भी आपको अपडेट्स देंगे, पर दोस्तों आंद्रे रसल इस साल KKR अकेडमी हो सकता है वो चीफ गेस्ट बनकर आया या इनॉग्रेशन करने आया, बट दोस्तों उनकी जो पावर हिटिंग है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। वो जो स्टूडेंट्स होने वाले हैं कुछ KKR अकेडमी के प्लेयर्स होने वाले हैं उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान वो टीच करने आएंगे। देखते हैं दोस्तों उसके ऊपर जो भी अपडेट होगी हम आपको देंगे ही। तो खैर दोस्तों आज दिनभर में यही टॉप अपडेट्स थी हमारे पास। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।